सो हेलो फ्रेंड्स, कितना सारे आई होप सारे कैट बढ़िया ऑसम होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त एक गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं। आपको पता तो लग ही गया होगा, जो पीछे मेरे पीछे जो गाड़ी खड़ी है, ये हिस्ट्री में से हिस्ट्री जिसे कह सकते हैं गाड़ी है, हिस्ट्री में इसने अपना इतिहास रचा था। ठीक है, जब स्टार्टिंग में 2005 में स्विफ्ट आई थी, ये भी 2008-09 में ये गाड़ी भी आई थी, उसकी एक स्विफ्ट की छोटी बहन आप कह सकते हैं। इन्होंने इतिहास इतना बढ़िया रचा है, कई कई यूनिट्स इन्होंने एक एक महीने में बेच दी, आप सोच नहीं सकते हो। मेरे को उसका कोई मैथमेटिकली आइडिया नहीं है, आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हो, इट्स वाज ऑसम। मैं सिर्फ आपको इसका रिव्यू देने आया, बहुत अच्छा सा। सो दोस्तों, मेरा नाम है अमन, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की तरफ से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट प्रोफाइल में आप देखोगे क्या एरोडायनामिक शेप के साथ क्या प्यारी ये गाड़ी लगती है फ्रंट में। फ्रंट में दोनों बेसिक हमें हेडलैम्प्स दिए गए हैं, ठीक है, और साइड में हमें यहाँ इंडिकेटर है, यहाँ हेडलैम्प है, और नीचे पार्किंग बल्ब है जो इस टाइम है नहीं। सो और नीचे हमें दिया गया है फॉग लैम्प, ठीक है, ये आफ्टर मार्केट फॉग लैम्प है, बट जेन्युइन फॉग लैम्प्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, ठीक है। इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट फॉग लैम्प्स लगाए गए हैं, और ये आप देख सकते हो वेंटिलेशन के लिए फ्रंट ग्रिल, बहुत ही बढ़िया फ्रंट ग्रिल दे रखी है, जिसमें सुजुकी की बैजिंग है, ठीक है। सो फ्रंट से बहुत ही परफेक्ट गाड़ी दिखने में है, ठीक है। और चलिए चलते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। सो गाड़ी के चलते हैं हम साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड प्रोफाइल में आप शेप देखो, क्या एकदम स्लीक डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट हो के नीचे जाते जाते, क्या एरोडायनामिक शेप गाड़ी की दी गई है। जब फुल स्पीड पे चलती होगी तो मेरे ख्याल से काटती जाती होगी एयर को, ठीक है। और सबसे पहले जो नज़र पड़ती है हमें हमारी इस गाड़ी पे टायर्स की तरफ, इसका टायर साइज है 165/80R14 इसका टायर है। साथ में हमें इसके साथ व्हील कवर देंगे, कोई अलॉय व्हील इसके साथ हमें नहीं प्रोवाइड किए गए। और अगर साइड पैनल की बात करें तो ब्लैक शेड में हमें दिए गए हैं, और साइड मिरर की बात करें वो उसी के सेम वाइट कलर में ही प्रोवाइड किया गया है। और हैंडल्स की बात की जाए तो वो भी अपना गाड़ी के पेंट के साथ का ही कलर दिया गया है, ठीक है। और यही थी हमारी साइड प्रोफाइल, और हमें जो क्वार्टर पैनल दिया गया है वो बढ़िया तरीके से पिछली जो विंडो उसके साथ जो कवर अप किया गया है, इट्स अ मैसिव लुक। एंड चलिए गाड़ी के अब हम चलते हैं पिछली तरफ। और हाँ जी, पीछे जाने से पहले मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करना चाहूँगा। 160 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि इंडियन रोड के हिसाब से बहुत ही बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है। अब हम चलते हैं फटाफट बूट स्पेस की तरफ। तो फ्रेंड्स, गाड़ी के हम आ चुके हैं बैक प्रोफाइल की तरफ, और बैक प्रोफाइल में हम डायरेक्ट चलते हैं पिछली जो टेल लाइट है, क्या जंकी फंकी टेल लाइट दी गई है। जो रिट्स का बैक डिज़ाइन है वो हर एक को पसंद नहीं आता, ज़रूरी नहीं है कि एवरीवन इसके फेवर में होंगे, कई इसके नेगेटिव में भी रहे हैं हाल ही में, ठीक है, कई ने नेगेटिव भी इसके बारे में बोला है, बट ओवरऑल कंडीशन बेस्ट है। पिछली टेल लाइट अच्छी है और ओवरऑल डिज़ाइन अच्छा है। नीचे हमें रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, दोनों तरफ रिफ्लेक्टर है, और ये पिछली जो हमें अपना लाइट दी गई है पार्किंग के साथ, ये भी जलती है जब दूसरी लाइट्स जलती हैं, तो पार्किंग के साथ ये नीचे वाली भी लाइट जलती हैं। एंड चलो अब हम चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ। तो हर्षु सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये बूट स्पेस को ओपन करेंगे। फटाफट बूट स्पेस ओपन किया जाए हर्षु। और अब हमारी खुल चुकी है बूट। बूट में आप देख रहे होगे सिर्फ इत्तू सी जगह, जिसे कहते हैं इत्तू सी जगह हमें दी गई है। हमारा 236 लीटर का हमें बूट स्पेस दिया गया है, जो कि ठीक है, हम आराम से यहाँ पे 2 से 3 बढ़िया अच्छे हम बैग्स यहाँ पे कैरी करके जा सकते हैं, अगर फैमिली कहीं वीकेंड पे जाना चाहे तो अच्छा है। तो चलिए गाड़ी के इंजन की तरफ चलते हैं फटाफट। अब हम आ गए हैं गाड़ी के इंजन बे की तरफ। तो हर्षुक, अंदर से बोनट खोला जाए। सो हमारा बोनट खुल चुका है, और ये है हमारा शानदार धूल मिट्टी वाला इंजन। इस वक्त जिन ऑनर की ये गाड़ी है वो ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं रखते इस गाड़ी को, ज़्यादा वो ध्यान नहीं रखते हैं,
और इंजन बहुत ही पावरफुल इंजन है। और जगह की बात करोगे तो देखो कितनी छोटी सी जगह में इतना बड़ा इंजन यहाँ पे आया हुआ है, तो आप सोच सकते हो कि व्हाट अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग बाय मारुति सुजुकी। सो अगर इंजन की बात की जाए तो इंजन हमारा जो पावर जनरेट करता है 73.9 BHP की पावर जनरेट करता है 4000 RPM पे। एंड अगर मैं टॉर्क की बात की जाए तो 190 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा ये इंजन 2000 RPM पे। और जो इंजन 1.3 लीटर हमें डीजल इंजन यहाँ पे प्रोवाइड है विद टर्बो चार्ज हमें इंजन मिलता है, तो ये इंजन काफ़ी जाना माना इंजन है, काफ़ी सालों से चलता हुआ आ रहा है, अभी भी लोग इसे पसंद कर रहे हैं। और मैं भी ये इसी करके वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छी राय दे सकूँ, ताकि आप गाड़ी को परचेज़ कर सको सारी चीज़ों को देखते हुए कि क्या गाड़ी में है क्या गाड़ी में नहीं है, तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलो अब गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं और वहाँ का थोड़ा सा खुलासा करते हैं। तो चलिए, सो फ्रेंड्स गाड़ी का अब हम करते हैं इंटीरियर की बात, तो चलते हैं इंटीरियर पर। तो दोस्तों गाड़ी के फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके दरवाजे बंद की आवाज़ है मैं वो आपको सुनाता हूँ। काफ़ी बढ़िया आवाज़ है, स्ट्रॉन्ग आवाज़ है, अच्छी है, ओके है फिलहाल, क्योंकि ये गाड़ी 2012 मॉडल है, सो इट्स बढ़िया अभी भी आवाज़ है गाड़ी की। तो चलिए गाड़ी के अंदर जो फंक्शंस हैं उसकी बात करते हैं, अंदर का आप डिज़ाइन एक बार देख लीजिएगा। तो सबसे पहले डैशबोर्ड की बात की जाए, डैशबोर्ड की जो प्लास्टिक क्वालिटी है, इट्स नॉट अ सॉफ्ट टच, इट्स अ हार्ड प्लास्टिक। और अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन उस लेवल तक का नहीं है जो पुराने 2008 की बात की जाए, उस हिसाब से वेरी स्लीक डिज़ाइनिंग। बट अगर आज के ज़माने की बात की जाए तो अब आप कह सकते हो कि थोड़ा सा ये ओल्ड डिज़ाइन हो चुका है। यहाँ पर हमें 4 AC वेंट्स मिलते हैं, ठीक है, सामने हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो आफ्टर मार्केट इसमें लगा हुआ है, ठीक है। और अगर हम एसी की बात करें तो नॉर्मल एसी इसमें दिया गया है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। और अगर गियर की बात की जाए तो मैनुअल इसमें 5-speed ये गियर बॉक्स हमें इसमें प्रोवाइड किया गया है, नीचे हमें हैंड ब्रेक मिलती है बढ़िया तरीके से। और अगर मैं स्टोरेज कैपेसिटी की बात करता हूँ तो स्टोरेज कैपेसिटी में हमें यहाँ पर जगह दी गई है, यहाँ पर 1 liter बोतल होल्डर हमें साथ में दिया गया है, यहाँ पे हम रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ अपना मैगजीन होल्डर हमें प्रोवाइड किया गया है बोतल होल्डर के बिल्कुल साथ। और दूसरी अगर डोर की में बात की जाए, फ्रंट के सेकंड जो कंडक्टर साइड डोर है उसमें भी सेम यहाँ पर हमें स्टोरेज कैपेसिटी दी, नीचे 1 liter की बोतल स्टोरेज और मैगजीन होल्डर सेम एज़ ड्राइवर साइड की तरह ही कंडक्टर साइड में भी हमें सेम टू सेम हमें स्टोरेज कैपेसिटी दी गई है। और अगर हम फ्रंट डैशबोर्ड की बात की जाए तो फ्रंट डैशबोर्ड में हमें जो कंसोल है हमारा उसके ऊपर भी हमें कुछ जगह दी गई है जहाँ पे मैंने अभी कुछ सामान रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमारा काफ़ी अच्छा खासा सामान आ जाता है। और यहाँ पर हमें कुछ स्टोरेज मिलता है। और अगर यहाँ की बात करें तो फ्रंट में भी डैशबोर्ड में हमें काफ़ी अच्छा स्टोरेज यहाँ मिल सकता है, मोबाइल चार्जर पावर बैंक वगैरह हम यहाँ रख सकते हैं। और गाड़ी के ऊपर की तरफ हमें टैकोमीटर मिलता है जो बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन लुक दे रहा है। और सेंटर में भी हमें यहाँ पर कुछ जगह दी गई, यहाँ पर कुछ जगह दी है, और यहाँ पे हमें 12 वोल्ट पावर सॉकेट यहाँ दिया गया है। और पीछे अगर बात की जाए तो पीछे कोई पावर सॉकेट हमें नहीं दिया गया, तो फ्रंट में स्टोरेज के लिए इतना ही। और अगर मैं स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात की जाए तो नॉर्मल स्टीयरिंग हमें यहाँ पे दिया गया है, कोई एडजस्टमेंट टिल्ट टेलीस्कोपिंग में से कुछ भी नहीं हमें मारुति सुजुकी रिट्स में प्रोवाइड करती है इस मॉडल में। और इंफोटेनमेंट सिस्टम क्लस्टर की बात की जाए तो क्लस्टर मीटर बहुत ही शानदार इसका क्लस्टर मीटर है, सिंपल सादा क्लस्टर मीटर हमें दिया गया है जिसमें एक ही जगह में यहाँ पर सिर्फ स्पीडोमीटर है, यहाँ पर डिजिटल हमें कितने किलोमीटर चल चुकी है, यहाँ पर फ्यूल टैंक और यहाँ पर टाइमिंग, यहाँ पर सारी की सारी जो इंडिकेशन है हमें वो दी गई हैं, और इधर की तरफ भी हमें सारी की सारी जगह इंडिकेशन दी गई है, तो बहुत बढ़िया बात है। सो दोस्तों अगर मैं सीट की बात की जाए तो सीट में जो हमें मैनुअल फंक्शन दिया गया है, गाड़ी अगर हमें सीट को आगे और पीछे कर रहे हैं, कोई हमें ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं दिया गया, ये यहाँ पर मैनुअल इसे उठाएँगे पीछे करेंगे और आगे करेंगे,
यही फंक्शन है। और सीट को जो अगर हमने आगे पीछे, एक तो नीचे वाला हो गया जिसे स्लाइडिंग कहते हैं, अगर हमने जो बैक है उसको पीछे आगे करना है तो यहाँ पर दिया हुआ है, इससे हम पीछे हो सकते हैं और आगे यहाँ से कंट्रोल होता है। ये भी सिर्फ और सिर्फ मैनुअल है। अगर मैं जो सबसे मेन चीज़ है, मैं एक अपना सिख हूँ सो मैंने इस टाइम पक पाई। अगर मैं हेडरूम की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि वाओ हेडरूम, आप देख सकते हो मेरा एक हाथ हो गया और दूसरा हाथ भी मेरा यहाँ आ रहा है, तो सोच सकते हो कि बड़ा हेडरूम यार। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सिक्स के लिए जो कि पगड़ी पहनते हैं, उनके लिए बेस्ट टू बेस्ट ये गाड़ी हो सकती है, ठीक है। और ये थी फ्रंट की बात, हम चलते हैं पिछली सीट की तरफ, वहाँ देखते हैं कि क्या क्या प्लस हैं क्या क्या माइनस हैं। तो चलिए पीछे चलते हैं। सो दोस्तों वहाँ आ चुके हैं रिट्स डीजल की बैक साइड पर, और पीछे अगर देखा जाए तो बहुत ही कंफर्टेबल है। और अगर मैं लेग रूम की अगर मैं बात की जाए तो लेग रूम काफ़ी बढ़िया है, जो अगली सीट है वो एडजस्टेबल है, तो देखिए काफ़ी अच्छा लेग रूम यहाँ आ रहा है, हम कंफर्टेबल होके गाड़ी में बैठ सकते हैं, नो वरीज अबाउट दैट। और अगर मैं हेडरूम की बात की जाए तो हेडरूम यहाँ पर भी देखो, तोबा तोबा क्या बढ़िया हेडरूम है यार, इससे बढ़िया हेडरूम मैंने अभी तक जितनी गाड़ियों का रिव्यू किया सबसे बेस्ट हेडरूम मेरे को मारुति रिट्स डीजल का लगा, और मैं कह सकता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त हेडरूम है। और हमें जो हेडरेस्ट की बात की जाए तो फ्रंट में भी मैं आगे बताना भूल गया था, हमें हेडरेस्ट दिए गए हैं, पिछली सीट में भी हमें हेडरेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। मैं करना चाहूँगा कि यहाँ पे हेडरेस्ट हैं, इस साइड भी हेडरेस्ट हैं, तो हमें पिछली तरफ भी हेडरेस्ट दिए गए हैं बहुत बढ़िया तरीके से। और लेग रूम बहुत ही बढ़िया। अगर स्टोरेज कैपेसिटी की बात की जाए तो स्टोरेज कैपेसिटी हमें यहाँ पे कुछ कॉइन्स रखने की हमें जगह मिलती है, और नीचे कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। दूसरी जो विंडो है उसमें भी सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ सिर्फ कॉइन्स रखने के लिए हमें जगह दी गई है, पीछे कोई नो बॉर्डर होल्डर नो मैगजीन होल्डर। और सेंटर में जो अपना स्टोरेज, कुछ स्टोरेज नहीं है कुछ भी यहाँ पे, अपना कोई 12 वोल्ट चार्जर नहीं है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, मारुति कुछ यहाँ पे दे सकती थी, कुछ अपग्रेड कर सकती थी, बस इस बजट सेगमेंट की अगर गाड़ी की बात की जाए तो वेल है, जो भी कंपनी ने दिया है वेल है। पीछे भी पावर विंडो हमें दोनों जगह दी गई है, अगली तरफ भी पावर विंडो हमें अवेलेबल है, सो इट्स अ वेरी बेस्ट पॉइंट्स जो पावर विंडो हमें इस गाड़ी में दी गई है। तो सो ओवरऑल गाड़ी बढ़िया है। तो चलो कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि आपको क्या ये गाड़ी परचेज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो चलिए, सो फ्रेंड्स थोड़ा कैमरे को पास लेके आ जाए। सो फ्रेंड्स लास्ट कंक्लूजन में सिर्फ और सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो गाड़ी है रिट्स 2012 मॉडल ये गाड़ी है, इस गाड़ी में कुछ कमियाँ हैं, जो इंजन इसका थोड़ा सा डाउन है। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा लास्ट में, तो मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं बहुत ही बढ़िया कंक्लूजन देता हूँ, आपकी बहुत बढ़िया हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि गाड़ी को सिर्फ और सिर्फ आप बाहर से उसकी जो क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना बाहर से चमचम कर रही होती है, उसको देख के ना खरीदिएगा कभी भी। गाड़ी को हमेशा इंजन को ज़रूर चेक करवाइएगा, इंजन कैसा है, बड़ी अपना किसी एक्सपर्ट को या खुद आपको नॉलेज है तो खुद को खुद चेक कीजिए। इंजन बहुत ज़रूरी है गाड़ी में, मैं कहता हूँ सबसे ज़रूरी इंजन है, इंजन के बाद अच्छी है बॉडी लाइन कहीं गाड़ी एक्सीडेंट तो नहीं है, गाड़ी एक्सीडेंट ना हो, इंजन बढ़िया हो, ये दो चीज़ें अगर अच्छी हैं तो मैं कहता हूँ बाकी चीज़ें छोटा मोटा काम तो होता रहता है। बाकी मैं कहता हूँ गाड़ी आपको आंख बंद करके ले लेनी चाहिए और गाड़ी आपको सस्ती मिल रही है। तो ये 2012 मॉडल गाड़ी है, और इसकी मैंने माइलेज की बात नहीं करी, ये जो गाड़ी माइलेज देती है हाईवे पे आपको देगी 23 से 24 के बीच में माइलेज, बहुत ही बढ़िया माइलेज है, और लोकल ये निकालती है 20 की माइलेज, ठीक है। और अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो ये आराम से आपको अपना 2 लाख से अपना 3 लाख के बीच में हर एक कैटेगरी की अपना 2011, 12, 13 मॉडल गाड़ी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। क्यों रेट कम हुआ है, क्योंकि NCR के जो रूल्स हैं वो चेंज हो गए हैं, जो डीजल गाड़ियां 10 साल के बाद नहीं चल रही हैं दिल्ली में, तो इसी वजह से इन चीज़ों को नज़र रखते हुए गाड़ियों के जो प्राइजेस हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। सो दोस्तों सारी बातों को मैं यहीं बस ख़त्म करूँगा, ठीक है।
तो ये मेरी इंजन और जो बॉडी लाइन है उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सस्पेंशन हो गया, स्टेयरिंग हो गया, ये सारी चीज़ें छोटी मोटी तो चलती रहती हैं। मेन जो इंजन और बॉडी लाइन है वो आपको चेक करना बड़ा ज़रूरी है। मैंने वीडियोस बना रखे हैं इंजन को कैसे चेक करना है और बॉडी लाइन को कैसे चेक करना है, तो जाइएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर आप वो वीडियो भी देखिएगा, आपको हेल्पफुल रहेगी। सो बाय बाय दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दिल खुश होता है अगर आप सब्सक्राइब करते हो। सो दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।